हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणी इंग्लिश क्लासेस। कल हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था। हमें पता है सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो पिछले दो तीन दिन से हम सब्जेक्ट के भागों को पढ़ रहे थे, जिसमें सब्जेक्ट के भागों में डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेस होते हैं, और उसके बाद में वर्ब आती है जहां से प्रेडिकेट स्टार्ट होता है। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रेडिकेट से, जहां से हमारी वर्ब शुरू होती है वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है, और वर्ब आती है, वर्ब के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। किसी किसी सेंटेंस में हमारे दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट जो हमारा दो लोगों के बीच में डायरेक्ट जुड़ा हो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जब उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई अन्य भी हमसे जुड़ा हो तो उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग होता है, सजीव होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट की पहचान एक बार फिर से आप सुन लें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो नॉन लिविंग होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो लिविंग होता है। तो इसे हम सेंटेंस के जरिए समझते हैं, कैसे करते हैं। जैसे सब्जेक्ट है, मोहन gives a ball to me। अब इसमें आप सेंटेंस में देखें कि हमारा सब्जेक्ट है मोहन, वर्ब है gives a ball। मोहन मुझे क्या देता? बॉल। तो मोहन के हाथ में एक बॉल थी। बॉल कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव होता है। अच्छा, दी किसे? मुझे। मैं कैसा हूं? सजीव हूं। तो मैं किस में आऊंगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। सामान्य रूप से ऐसा होता है कि हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट वाले को आगे रखते हैं और इनडायरेक्ट को पीछे रखते हैं। लेकिन इसी सेंटेंस को यदि आप चेंज कर देंगे, जैसे आपने जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसे यहां लाना है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको यहां ले जाना है, तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे मोहन गिव्स। अब अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे आता है, मी ए बॉल, आप ध्यान रखें कि यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे आएगा और इनडायरेक्ट पीछे जाएगा तो हम टू अथवा फोर प्रीपोजिशन लगाते हैं, और यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं और डायरेक्ट को पीछे ले जाते हैं, ऐसी कंडीशन में हम किसी प्रीपोजिशन को नहीं लगाएंगे। तो यहां पर इसलिए हमने टू या फोर का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन पीछे हमने यहां पर टू का यूज किया है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे जाए, इनडायरेक्ट आगे जाए, तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अब आप ये डिसाइड करें कि जो आपका सेंटेंस आया है उस सेंटेंस में यदि टू होगा तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे ले जाना है, और टू या फोर आया है तो वो लगेगा। यदि आपके सेंटेंस में टू नहीं होता, मान लीजिए ये सेंटेंस ऐसे इतना ही होता, केवल मोहन गिव्स ए बॉल और मी, तो ऐसी कंडीशन में आपको सेंटेंस ये नीचे वाला बनाना पड़ता, मोहन गिव्स मी ए बॉल, और अगर इसमें टू आता तो फिर इस कंडीशन में ये बनता, मोहन गिव्स ए बॉल टू मी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जहां से वर्ब शुरू होती है वो प्रेडिकेट का हिस्सा होता है, उसमें कभी कभी एक ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी दो भी आ जाते हैं, और ये ऑब्जेक्ट आने के बाद में फिर हम ये देखते हैं कि कहीं इसमें प्रीपोजिशन तो नहीं आया है, तो
हम फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे रखेंगे और उसके आगे उस प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं। और यदि वहां पर प्रीपोजिशन नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट आएगा और सेकंड उसके बाद में आप अबॉल या जो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे रखेंगे। अब इससे आगे का सेंटेंस हम देखते हैं। अब ये नीचे एक चार्ट आप देख रहे होंगे, इस चार्ट में आप देखें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट आपने फर्स्ट ईयर इसमें नाइन्थ में भी पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में हम कहते हैं पूरक। पूरक मीन्स होता है किसी भी सेंस को क्लियर करने वाला, किसी भी अर्थ को पूर्ण करने वाला होता है, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं पूरक। अगर मैं आपसे कहूं कल मैंने ये किताब पढ़ी और उस किताब का कोई नाम नहीं हो, कोई डिस्क्रिप्शन ना हो, तो क्या होगा? फिर अब क्लियर नहीं होगा। और मैं ये कह दूं कल मैंने रामायण की किताब पढ़ी, तो रामायण क्या है? रामायण एक कॉम्प्लीमेंट है। मैं कहूं कल मैंने पेट भर के खाया और यहां मैं छोड़ दूं सेंटेंस को, ये सेंटेंस कैसा है? इसका जो सेंस है वो अनक्लियर है। तो और मैं कल ये कह दूं कि मैंने रसगुल्ले खाए, रसगुल्ले क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि रसगुल्लों से उसका सेंस बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो आप ध्यान रखें कि कभी कभी हमारे जो सेंटेंस आते हैं उन सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है। जैसे एक सेंटेंस हम देखें, पंडित मोतीलाल नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। अब इस सेंटेंस को आप देखें तो इस सेंटेंस में आप देखें, देखिए जो काम करने वाला वो सब्जेक्ट वो है पंडित मोतीलाल। वर्ब क्या थी? नेम मींस होता है नाम रखना, तो ये वर्ब के रूप में आया है, यहां नाम हो गया। अब किसका नाम रखा? अपने घर का। घर निर्जीव है तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब अगर ये सेंटेंस इतना ही होता पंडित मोतीलाल ने अपने घर का नाम रखा, तो फिर ये सेंस क्लियर नहीं होता, फिर ये अधूरा अधूरा सा रहता। अब बार बार यही सोचते जब भी इस सेंटेंस को दिमाग में लाते, क्या नाम रखा होगा, क्या नाम रखा होगा। तो और जब आनंद भवन आ गया, अब ये क्लियर हो गया कि उन्होंने अपने घर का नाम आनंद भवन रखा है। अब ये आनंद भवन क्या है? ये है एक नाउन। तो आपका कॉम्प्लीमेंट यहां किस रूप में आया है? नाउन के रूप में, क्योंकि कोई नाम होता है वो हमेशा नाउन के रूप में आता है। अब दूसरे सेंटेंस में देखें, द जज फॉन्ड हिम गिल्टी। जज न्यायाधीश ने फॉन्ड पाया हिम उसे, गिल्टी होता है अपराधी, जज ने उसे अपराधी पाया। अब अगर ये गिल्टी नहीं आता, जज ने उसे पाया, तो हम ये सोचते दोषी था या निर्दोष था, जज को क्या लगा, जज ने उसे कैसा पाया, दोषी पाया, निर्दोष पाया, दोषी पाया, इसी में चलता रहता, तो सेंस क्लियर नहीं हुआ। यहां पर गिल्टी आने से उसका सेंस क्लियर हो गया है। गिल्टी अपराधी होता है, ये एडजेक्टिव होता है, तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो एडजेक्टिव के रूप में भी आ सकता है। तो इस तरह से देखें आप, कॉम्प्लीमेंट नाउन के रूप में भी आता है, एडजेक्टिव के रूप में भी आता है। अगर इसमें नाम के पीछे कुछ और शब्द होता तो वो नाउन फ्रेश हो जाता, गिल्टी के बाद में अगर कोई शब्द होता
तो वो एडजेक्टिव फ्रेश हो जाता। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें देख लेते हैं कहीं इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है। अब अगला सेंटेंस देखें यहां, मोहन वॉज इन द फील्ड। इस सेंटेंस में आप देखें कि मोहन हमारा सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। इन द फील्ड मोहन कहां है, खेत में। तो ये हमारा एडवर्बियल फ्रेश है। इस सेंटेंस में आप देखें कि हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो एडवर्बियल फ्रेश के रूप में भी आया है। तो कॉम्प्लीमेंट कई रूपों में आ जाता है, नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में और एडवर्बियल फ्रेश के रूप में। कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कल हमने पढ़ा था कि हमारा सब्जेक्ट जीरंड के रूप में आता है, जीरंड के रूप में आ जाता है या इन्फिनेटिव के रूप में आ जाता है। और कल ये भी बताया था कि ये इन्फिनेटिव वाली वर्ब या जीरंड वाली वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ जाती है। तो सेंटेंस देखें, जैसे हरी लाइक्स स्विमिंग, अब इसमें आप देखें कल आपने स्विमिंग देखा था तो वो आगे था सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन यहां स्विमिंग है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब में आई एनजी लगती है तो वो जीरंड बन जाता है। और ये जीरंड सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में, दोनों के रूप में आ जाता है सेंटेंस में। अब इसकी हिंदी होगी, नानी ने लास्ट में हरी लाइक्स स्विमिंग, तो हरी तैरना पसंद करता है, ऐसे आ जाता है। और हम इसे दूसरे रूप में लिखें तो ये दूसरे रूप में भी आ जाता है, जैसे गर्ल्स लव टू सिंग। अब इसमें देखें, यहां हमने वर्ब से पहले टू लगा दी है तो ये इन्फिनेटिव है। अब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसके रूप में है, जीरंड के रूप में। और यहां हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसके रूप में है, इन्फिनेटिव के रूप में। तो इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्विमिंग जीरंड के रूप में, टू सिंग इन्फिनेटिव के रूप में। तो जीरंड या इन्फिनेटिव भी आ सकता है, हम उसे देख लें। अब इसको चेक कैसे करते हैं कि यदि उस सेंटेंस में कहीं पर कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं दिया है तो जो वर्ब आती है चाहे वो जीरंड के रूप में हो या इन्फिनेटिव के, तो उसे हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। यदि उसमें कोई पहले से ही सब्जेक्ट दे दिया है तो सामान्य रूप से इन वर्ब्स को हम ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज करते हैं। तो उस बोर्ड के सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दोनों ही मिलके आते हैं, तो हमें सब्जेक्ट के भागों को सब्जेक्ट के उसमें लिखना पड़ता है और प्रेडिकेट वाले हैं उन्हें प्रेडिकेट वाले में लिखना पड़ता है। कुल मिलाकर के ये है कि हमें जो वर्ड्स दिए जाते हैं उन वर्ड्स को बिल्कुल सही तरीके से उन्हें सीरियल से रखना है और अपना एक सेंस वाला सेंटेंस बनाना है। तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखें और हमेशा सुरक्षित रहें, अपने घर पर रहें, घर वालों की बात मानें। थैंक यू।